नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बीते 17 जनवरी से लखनऊ के घंटाघर में महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं बीती रात पुलिस और महिलाओं में झड़प देखने को मिली, जिसके बाद महिलाओं का कहना है कि पुलिस ने उनके कंबल और खाने का सामान उनसे जबरदस्ती छीन लिया। दरअसल CAA के विरोध में हुसैनाबाद के घंटाघर पर भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे बीते 72 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला ने, दिखा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके के घंटाघर क्षेत्र में और आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम महिलाएं लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं और पिछले 72 घंटों से यहां पर ये प्रदर्शन कर रही हैं और लगातार ये CAA और NRC के मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही हैं। ये मांग कर रही हैं कि इनको ये जो NRC है CAA इनको हटाया जाए। आप लोग पिछले 72 घंटों से यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मांगे हैं? हमारी तो ये सबको जग जाहिर है, पूरे हमारी खाली प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो हमारी सिर्फ मांग ये है कि आप जो NRC लाए हो, CAA लाए हो, जो NRC लाने जा रहे हो उसको आप वापस लीजिए। जो आप काला कानून हम लोगों पर थोप रहे हैं अपनी मर्जी से ना, वो मत थोपिए, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से आपको उस जगह पहुंचाया है। आप खुद चल के संसद में नहीं जा चुके हो, मेरे जरिए आप पहुंचे हो और जो आपने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है, इस गलत कदम को आप अपने पीछे वापस ले जाए। 70 घंटों से आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी कोई आला अधिकारी या किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई बात हुई आप? नहीं, हमारी बात तो नहीं हुई, हमारी बात तो नहीं हुई, लेकिन लात जरूर पड़ी है। पहले शौचालय बंद करा, फिर बिजली काटी, फिर खाना छीना, फिर कंबल छीना। आज आपकी चैनल के माध्यम से हम ये मांग करना चाहते हैं, आप मांग पूछ रही है, ये तो पूरा मुल्क मांग रहा है कि इस कानून, काले कानून को वापस लो। लेकिन यहाँ पर जो जिन घरों की औरतें यहाँ पर हैं, उनके घर के बच्चे किनारे किनारे दूर से आते हैं देखने हिफाजत के लिए कि हमारे घर की औरतों के साथ जो 19 में हुआ वो ना होना पाए। तो उनमें से 7 बच्चों को पुलिस उठा ले गई है, जल्द से जल्द उन बच्चों को रिहा किया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर महिलाओं का साफ और सीधे तौर पे कहना है जब तक NRC और CAA वापस नहीं होता है तब तक ये लोग यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट करती रहेंगी। लखनऊ से आशीष के साथ चंद्रमणि शुक्ला, R9 TV।